फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपका मोबाइल फोन स्लो चार्ज होता है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फोन का फाइल का ऐप ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ही ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस वाले पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप फोन को चार्ज करेंगे ना, तो आपको हमेशा अपने फोन के साथ वाला चार्जर आपको यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम दूसरे फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरे फोन के चार्जर से हमारा फोन चार्ज होता तो है, लेकिन स्लो चार्ज होता है, क्योंकि दूसरे फोन का चार्जर हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जब भी आप फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो आपको अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, और एक अगला काम ये कर लेना है, आपके मोबाइल फोन का जो नीचे चार्जिंग पोर्ट होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार पर रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको जो है ना एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये इरेज ऑल डेटा का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपके ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन जो है स्लो चार्ज हो रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताया ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए। ठीक है।